नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है लोकसभा चुनाव जुड़ी खबरों का महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हां, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करूं तो चुनाव तो खत्म हो गया है, यानी 48 में से 48 सीटों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अब जो है सभी नेता और जितने भी उम्मीदवार थे सब जो है आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उसके बीच जो है राजनीति जो है गरमाई हुई है। इसलिए गरमाई हुई है कि उद्धव जी काफ़ी परेशान हैं। वो क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनके 21 सीट पर तो उनके उम्मीदवार हैं, और लेकिन खासकर मुंबई को जो चुनाव हुए हैं मुंबई में, उसमें जो वोट ऑफ परसेंटेज और वोट ऑफ स्पीड उसको लेकर जो है वो परेशान है। और कल तो उन्होंने चुनाव खत्म नहीं उसके पहले जो है टीवी पर भी आ गए, और वो भी कैसे आए कि मातोश्री से ही उन्होंने दुनिया भर का शिकायत करा ली इसी के ऊपर कि चुनाव आयोग जो है इसके ऊपर दखल नहीं ले रही है, ये है वो है। अब ईवीएम की भी तैयारी हो बोलने की शुरू हो गई होगी। यही सब विषय पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी। आखिर में कल भी हम तो इस पर वीडियो बनाए थे, लेकिन वो लगातार जो स्थिति बनी हुई है, लगातार जो चर्चा इसके ऊपर हो रही है कि आखिर में ऐसा क्या हो गया कि उद्धव जी इतना परेशान है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में तो 3 पार्टी है, कांग्रेस भी है, कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही। शरद पवार जी का भी तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया इसके ऊपर, लेकिन उद्धव जी काफ़ी परेशान है। सर, क्या लगता है 48 में से 21 सीटों पर तो उनकी उम्मीदवारी है, उसको लेके परेशान है कि कुछ और होने वाला? पहली बात तो ये समझ लो जी कि उद्धव की फट गई है। अब ये मुझे मत पूछो कि क्या फट गई है, फट गई है। अच्छा। इतना ही मैं बोलता हूँ, क्योंकि सुबह से मुझे बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, मतदान कम हो रहा है, उसका असर क्या होगा। मैं बोला शांति रखो, शाम के बाद अगर उद्धव ठाकरे ने चिल्लम चिल्ली शुरू की तो इसका मतलब उद्धव हारा है, क्योंकि जैसे उसको अंदेशा आएगा कि हम हार रहे हैं, वो चिल्लम चिल्ली शुरू कर देगा। उसने चुनाव चालू था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, जो गैरकानूनी है जी, और आचार संहिता का सीधा उल्लंघन है, मगर उसको रहा नहीं गया। वो अंदर से ऐसा तड़प रहा था कि अरे मेरा कुछ हो नहीं रहा है। और सर जो लाइनें दिख रही थी वहाँ पे, तो वो ऐसा बोलता है कि मेरे मतदाताओं को टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं होता है, तेरे मतदाता क्या अलग लाइन में है क्या? हाँ। ये क्या उद्धव की लाइन, ये क्या मोदी की लाइन, ऐसा थोड़ा है। ऐसा नहीं था, सब एक लाइन में था। वो उनको टाइम लग रहा है तो इनको भी टाइम लग रहा है, मोदी के भी लोग है और तेरे से ज्यादा तो मोदी के लोग है। हाँ। वो सर पेशेंस दिखा रहे थे कि भाई मोदी को हमको जिताना है, मोदी का जो प्रतिनिधि जो भी रहेगा, 2 घंटा लगे 4 घंटा लगे वोट देके ही जाना है। मेरा टीम का मेंबर है वो पवई में रहता है, वो बोलता है 4 घंटा लोग खड़े थे, मगर खड़े थे। हाँ, और इतनी गर्मी में, और आपस में बात कर रहे थे कि भाई मोदी को जिताना है तो वो तपश्चर्या करते है, इतनी पूरे देश भर में घूमते हैं, इतना धूप में इसमें सभाएं लेते हैं, हम 4 घंटा उनके लिए खड़ा नहीं रह सकते, हम रहेंगे। वो बोला वो लाइन में पूरे के पूरे 4 घंटे लगे जी। और उसका जिक्र उद्धव ने भी किया कि 2-2, 4-4 घंटे लग रहे हैं, तो 4 घंटे सर मोदी के लोग खड़े रह रहे हैं, इसके तो भाग रहे हैं। पहले तो बात ऐसी हुई, सुबह से बात फैली गई थी कि उद्धव के लोगों का कोई तैयारी नहीं है। सर कई जगह तो इनके प्रतिनिधि नहीं थे, वो जो बूथ डालते छोटे छोटे, कई केंद्रों के आसपास इनके बूथ भी नहीं थे, बड़े बड़े इसमें थे, बाकी छोटी जगह नहीं थे, मोदी जी के, भाजपा के, इनके सब जगह थे। तो ऐसा हो गया कि उनको पता चल गया कि हम बुरी तरह से हार रहे हैं, हार रहे इसका भी मतलब नहीं, बुरी तरह से हार रहे। तो ये चिल्म सर मुझे ना असल में बहुत आनंद हुआ शाम को जब मैंने उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा, बाद में चिल्लम चिल्ली देखा, ईवीएम के ऊपर आरोप अभी आज करेंगे, चुनाव आयोग के ऊपर किया, ये किया, मैं खुश हो गया। मैं बोला ये चिल्ला नहीं लगा मतलब जीत गए, इसको हार का एहसास हुआ है करके वो कर रहे। पवार थोड़ा सा बोले हैं, कांग्रेस वाले थोड़े से बोले, क्योंकि बम्बई में उनका कोई ज्यादा स्टेक नहीं है और वो बम्बई के बारे में ही बोल रहा था, क्योंकि उसको दिख रहा है कि इसके बाद 36 विधानसभा है, ये 6 गई मतलब वो 36 भी गई। हाँ। और वो 36 गई मतलब वो महापालिका, महापालिका में 200-250 सीट है, उसमें भी फटका बैठेगा, तो वो तिलमिला गया है, जमीन हिल रही पूरा। हाँ, कि भाई अभी मेरा कोई भवितव्य ही नहीं है, ऐसा भी लग रहा है। उसको लग रहा है कि सर कैसा है ना, लोकसभा में इसकी इस तरह से हार हो गई ना, तो जो बच्चे कुछ है वो भी कहाँ रहेंगे इसके साथ, वो भी सब चले जाएंगे, निकल लेंगे सर। फिर बाद में ये और इसके घर वाले, इतना ही शिवसेना रहेगा, उबाठा मतलब उबाठा के लिए 3 ही ये लोग रहेंगे,
तो उसको अभी एहसास हुआ है, पवार साहब को भी एहसास हुआ है, उन्होंने बोला है चुनाव आयोग थोड़ा स्लो वगैरह था वगैरह, मगर सर वो स्लो होने का एक कारण है जो आप लोग समझे नहीं है। खाली एक न्यूज़पेपर है मेरे ख्याल से मिंट या टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने दिया है कि उन्होंने चुनाव आयोग से बात की कि देर क्यों हो रही है, तो बोले पहले ऐसा था कि दो दो मशीन रखे जाते थे जी, मगर उसकी वजह से क्राउड होता था और लोग आरोप करते थे कि ये इसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, तो इस बार निर्णय ऐसा हो गया कि एक ही रहेगा, तो आधा हो गया टाइमिंग, डबल हो गया, तो इसकी वजह से हुआ। और वो बोले जो वो चिट्ठी लिखती है ना पैट बोलते हैं जी जी, तो वोट पैट जो है ना, वो बोले पहले क्या होता था, वो आता था निकल जाता था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं नहीं हमने देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चला कि हमारा वोट गया किधर, तो इस बार उन्होंने एक सेकंड से वो बढ़ा दिया वो डिस्प्ले सर, एक सेकंड से बढ़ाने की वजह से वो 5 सेकंड हो गया, अभी 5 सेकंड का वो डिस्प्ले चला जाएगा फिर ये बाहर आएगा, तो उसकी वजह से भी बोले वो लोग भी इंसिस्ट कर रहे थे मेरे को देखना है देखना है, क्योंकि झूठ मूठ का वोटिंग ये वो बहुत सारी चर्चे, वो बोले तीसरी बात ऐसी हो गई वो चुनाव आयोग के अधिकारी ने मिंट या टाइम्स ऑफ इंडिया के अधिकारी पत्रकार को बताया, तीसरी बात ये हो गई कि लोगों को हम पिछले 6 महीने से बोल रहे, 3 महीने से बोल रहे, 2 महीने 1 महीने से कि आपका नाम है कि नहीं वो वेरीफाई करो, चेक करो, हाँ, और वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हाँ, मोबाइल में ऐसा मोबाइल में इजीली मिलता आपको है। और जिनको वो चिट्ठी नहीं मिली समझो जी, वो सर मेरे टीम के लोगों ने ऑनलाइन लिया, मेरे को घर में आई चिट्ठी, वो सब आता है वो चुनाव आयोग की तरफ से, वो आदमी देखे गया मुझे, मगर उन लोगों ने उनको नहीं आया तो उन्होंने ऑनलाइन ले लिया और वहां गए कि भाई ये मेरा नंबर है ये है वो है, अभी मेरा नाम है कि नहीं ये मैंने पहली बार जब चुनाव आयोग का इशारा देखा कि भाई आप चेक करो कि आपका नाम है कि नहीं, तो मैंने पहले मेरा नाम चेक किया, मिसेस का, बच्चों का, सबका नाम चेक करने के बाद मेरा एक भतीजा है इधर, वो पेइंग गेस्ट है, तो उसका नाम है मगर क्योंकि वो 2 साल से है उधर, तो नाम है उसका, तो मैंने बोला ये तो मोदीवादी है, अपना एक मोदी का वोट आना चाहिए, तो मैंने उसका नाम चेक किया तो नहीं था, तो मैंने 15 दिन पहले उसको बोला कि भागदौड़ कर तेरा नाम आना चाहिए, आ गया सर, आ गया 15 दिन के पहले, सर 4 दिन 8 दिन पहले भी लोगों का नाम शरीक हुआ है, तो ये जो बोल रहे हैं ना कि हमारा नाम नहीं, वो लोग आयशी है वो बुद्धू है, उन्होंने जानबूझकर अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है, उनको चांस था ये करने का, वहां जाके गोंधल किया सर, वो गोंधल करने वालों ने भी टाइम लिया, मेरा नाम नहीं है, अभी क्या करते थे माँ बाप ये जाते थे इनका नाम नहीं होता था, तो वो झगड़ा चुनाव अधिकारियों से करता था, तब तक रुकना पड़ता था, तब तक रुकना पड़ता था, कितने लोगों का, मेरे सामने भी एक का चल रहा था, मैं बोला देखो तुम बाहर जाके झगड़ा करो, तुम में से कोई बाहर जाओ, बाहर बैठे हैं ना लोग उनसे बात करो, ये क्यों लाइन बाहर टेबल ले लेके बैठे हर पार्टी के लोग उनसे वेरिफिकेशन करो, तो सर वो 3-4 घटकों की वजह से मतदान धीमा रहा, मगर उन्होंने ये भी बोला कि जो 6 बजे लाइन में थे सबको वोटिंग का अधिकार था, हमने तो बोला था भले कल सुबह के 6 बजे तो भी आमंदा ने हम देंगे और दिया है, और कल कोई ऐसा एक आदमी पूरे महाराष्ट्र में नहीं होगा, मुंबई में तो है ही नहीं, कि जो लाइन में खड़ा था 6 बजे और उसको वोट नहीं करने मिला, सबको मिला बिल्कुल, तो सर ये उन्होंने बोला ना बहुत अच्छा हो गया, एक तसल्ली हो गई, मैं शांत हो गया, अभी दिन में 4 तारीख का कोई कुतूहल ही नहीं क्योंकि इसने ही हार मान ली, बहुत अच्छा हो गया, इसकी फटी है और फटेगी, फटने दो, बम फटने वाला है ये भी फटने वाला है, चलो सर मुंबई के 6 सीट है उसमें महायुति 6 के 6 महायुति देखो, और थाने के थाना में 4 सीट है सर, थाना की तो आने वाली है, श्रीकांत की तो आने वाली है, मैं मार्जिन देख रहा हूँ उसका 3 लाख से ज्यादा, 5 लाख तो बोला है उन्होंने, 5 लाख बोला है, 3 लाख से ज्यादा तो 100% होगा, 5 लाख से भी हो सकता है, मगर 3 लाख का मैं गारंटी दे सकता हूँ, थाना में भी 2 लाख से ज्यादा वोट नहीं, थाना में 4 सीट टोटल, हाँ नहीं भिवंडी है ना, पालघर है, भिवंडी है पालघर है, वो तो आएगी, पालघर तो बीजेपी की है, वो तो भिवंडी बीजेपी, भिवंडी बीजेपी की, और कपिल पाटिल मंत्री है, केंद्रीय मंत्री गिरेगा के, सामने कौन है, हाँ सामने वाल्या मामा, अरे उसको अरेस्ट किया अभी, मालूम है क्या आपको, क्राइम ब्रांच यूनिट 5, हाँ वो चीटिंग केस में अभी आधा घंटे पहले वो चुनाव के लिए रुके थे भाई, कोई उसको सहानुभूति नहीं मिले कि भाई इसको अरेस्ट किया है ये किया है, तो उसको ये होने का, और वो है ही चीटर, वो गुंडा ही है जी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी,
ये इनका दुर्दैव है कि ऐसे आदमी को खड़ा करना पड़ा इनको, पवार साहब ने खड़ा किया। हाँ, तो कितना दुर्दैव है कि तुमको दूसरा कोई मिला नहीं जी। तुतारी का मुतारी कर दिया तुमने। क्या बोले अभी सर, सब सीट आ जाएंगे यहाँ की, और महाराष्ट्र में 40 के पार जा रहे हैं। फडणवीस ने मेहनत की है, शिंदे साहब ने मेहनत की है, वो रंग लाएगी बस। धन्यवाद सर। आपको क्या लगता है मुंबई उठाने के, हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं वो भी काफी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, और हमारी ऐसी खबरों के लिए विश्लेषण के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक अंदर की खबरें आप तक हम पहुंचाने का पूरा काम करेंगे। दिन भर जो है जितने भी चीज़ें जहां जहां हो रही हैं उसके ऊपर हमारी बारीकी से नज़र है, और जो भी खबरें हमारे पास आएगी हम। और अनिल गगन जी थत्ते को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।